जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अमेज़ॉन है उससे रिलेटेड होगी हमारी वीडियो। अमेज़ॉन जो पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, ये चीज़ का सबको पता है। जैसा कि अमेज़ॉन ने अभी जो है रेड अलर्ट किया हुआ था पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानियों ने इस पर बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों उसको अमेज़ॉन को लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी सारे सेलर्स अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर दिए थे। तो अमेज़ॉन जो अपनी सेशन 3 की जो पॉलिसी है वो सब सेलर्स को लगा रहा था। तो साकल, अभी मैं आपको ये कुछ जो है लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, देखें। अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखें, ये अमेज़ॉन ने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो अकाउंट काफ़ी सारे बंद किए हुए थे, ये देखें, उसमें काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, जम्मू, साहिवाल, लाहौर समेत काफ़ी जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमेज़ॉन ने बैन किए थे, उनके आईपीस जो बैन कर दिए थे। उसमें कबूतर का उसमें वाजिया जिक्र किया हुआ था, जो काफ़ी सारी सेल ले लेते हैं, उसके बाद जो है अमेज़ॉन को कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं भेजते, तो इस वजह से जो है वो अमेज़ॉन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो अमेज़ॉन ने वो पाकिस्तान के लिए जो है ये बंद कर दिया अमेज़ॉन, तो इस पर हम बेच नहीं सकते अब। तो अभी जो साकिब अजहर साहब हैं और जो है हाफिज अहमद हैं, उनकी हमारे जो बड़े ई कॉमर्स हैं, सीईओ हैं पाकिस्तान के, फखरे पाकिस्तान हैं, तो उनका ये कहना है कि अब जो है वो सबको जो है एफपीए की तरफ आना होगा। एफपीए जो है वो अलाउ है पाकिस्तानियों के लिए अभी भी, तो जो बंदे जो पहले ड्रॉपशिपिंग कर रहे थे, तो काफ़ी सारे एफपीए सेलर्स भी उन्होंने बंद कर दिए। तो अभी साकिब अजहर साहब का कहना है कि ये सेशन 3 है, ये अकाउंट जो है पाकिस्तानियों के लिए ओपन नहीं होंगे, तो अभी ये ओपन नहीं होंगे, तो इसमें जो लोगों काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे पैसे लोगों के पड़े हुए हैं, तो ये जो है बहुत मुश्किल है जो अब वापस आए। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि अमेज़ॉन कोई अपनी नई पॉलिसी देगा, तो इसके लिए आपको जो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो है नई वीडियोस आप बआसानी पहुंच सकें, अमेज़ॉन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी होगी, तो इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसान।